अगले महीने 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले बीटाउन एक्टर्स दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह अपनी शादी की खबरों को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। अगर खबरों की माने तो ये दोनों अपनी शादी इटली के लेक केमो में कर सकते हैं और अपनी शादी की खबरों के बीच दीपिका हाल ही में कॉफी विद करण सीजन 6 में बतौर गेस्ट आई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ सीक्रेट सभी के सामने शेयर किए, जिसे सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब करण जौहर ने रैपिड फायर राउंड के दौरान दीपिका से पूछा कि उनके हिसाब से सबसे बेस्ट किसर कौन है, तो इसके जवाब में दीपिका ने अपने रणवीर का ही नाम लिया। जी हाँ, इसके अलावा दीपिका के इन सारे साइंस को देखकर तो शायद यही लगता है कि वो रणवीर सिंह को शायद शादी के बाद अपना गुलाम यानी कि प्यार के मामले में अपना मुरीद बनाकर रखने वाली हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि रणवीर सिंह भी दीपिका के प्यार में उनके गुलाम बनने के लिए राजी ही रहेंगे, क्योंकि उन दोनों की लव केमिस्ट्री ऐसी है जिसे देखने के बाद हर कोई इस बात से इत्तेफाक रखता होगा। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबरों की माने तो रणवीर दीपिका 1 दिसंबर को मुंबई में शानदार पार्टी देंगे, उसके बाद ग्रैंड हयात में पार्टी होगी, वहां पर पूरा बॉलीवुड लगभग शामिल होगा और इन दोनों की शादी इटली के आलिशान विला डेल बोलिडियानो में हो सकती है, और ये होटल इन दोनों इंटरनेशनल स्टार्स की शादी के लिए एक बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रणवीर और दीपिका की शादी के बाद इस जगह की खूबसूरती किस कदर बढ़ती है। नेक्स्ट नई लाइफ से शिवानी की रिपोर्ट।